हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम घूमने आए हुए हैं, शहीद स्मारक पार्क घूमने आए हुए हैं। और ये लखनऊ में है, जो कि काकोरी कांड हुआ था ये उसी का ही स्मारक बनाया हुआ है। तो और ये है फ्रंट व्यू, कैसा सामने से दिखता है जैसे आप गेट से एंटर करेंगे। तो आप ये जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। आपको यहाँ पर ग्रीनरी दिखा देते, कितना खूबसूरत इस समय लग रहा है, एकदम हरा भरा सा माहौल है। और ये इस साइड का ये व्यू है, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं जो घूम रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी आगे हम लोग चल रहे हैं और आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं। जो तो हम आज अब थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी जानेंगे कि यहाँ पे ये पार्क बनाने का रीज़न क्या था, क्यों बनाया गया है और कब बना था, किसने बनवाया था। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आपकी इम्प्रूव करेंगी। तो वीडियो पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे हम पार्क के अंदर जहाँ पे अमर शहीद ज्योति बनी हुई है वहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं। और ये अंदर का व्यू है, आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कैसा बना हुआ है। यहाँ से आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए, आपको और भी अच्छी तरीके से हम दिखाते हैं आपको। और ये अमर शहीद ज्योति बनी हुई है जो कि पार्क के बीच में बनाई गई हुई है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ का ये अंदर का व्यू है, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं। ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, घर से पास में ही है, मगर यहाँ पे मैं शायद सेकंड टाइम आ रहा हूँ, वो भी बहुत दिनों बाद। तो घर के पास अगर आप एक इन जनरल अगर आप बात करते हैं तो घर के पास यार कोई भी चीज़ हो वो वहाँ बहुत कम लोग विज़िट करते हैं। तो मैं आया हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये फैक्ट है, नेचुरल भी है कि लोगों के घर के पास जो भी चीज़ें होती वहाँ पर लोग ज़्यादा विज़िट नहीं करते हैं। और यही पार्क अगर कहीं और होता तो वहाँ पे आप ज़रूर ऐसा कोशिश करते हैं कि हम जाके यार इसको पहले देखते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं तो आप भी कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ आप वहाँ पे आसपास पार्क है या ऐसा कुछ बना हुआ है तो आप सोचते हैं कि कहीं स्किप ना हो जाए। तो इसलिए जो बाहर के टूरिज़म से जो यहाँ घूमने आते हैं, फॉरनर्स घूमने आते हैं, तो वो यहाँ पर एक एक चीज़ का व्यू लेते हैं और नॉलेज लेते हैं। तो ये चीज़ आप सभी समझ रहे होंगे जो मैं आप चीज़ को बताना चाह रहा हूँ। ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये ऊपर से है, अभी जस्ट हम स्टेयर से ऊपर आए हुए हैं तो ऊपर से ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और ये इधर का एक्सटीरियर, ये बाहर का व्यू है यहाँ से। ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। और ये इसके पीछे का व्यू है यहाँ पर, ये मैं व्यू आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं ये ऊपर आगे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि लोग भी घूमने आते हैं पार्क में। ये कुछ ऊपर से व्यू आपको मिल जाएगा, ये हमें ये ऊपर से व्यू देखने को मिल रहा है। जैसा यहाँ से ये नीचे जब ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ से ऐसे दिखेगा। अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह जिनको फांसी हुई थी, यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये यहाँ पर इनकी प्रतिमा बनी हुई है। और यहाँ पे और भी आगे प्रतिमा बनी हुई है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये हैं अमर शहीद अशफाकुल्ला खां जिनको फांसी हुई थी, और ये उनकी स्मृति है जो इस पार्क में बनी हुई है। यहाँ पे और भी आगे हमारे जो अमर शहीद रहे हैं उनकी आगे स्मृति है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति बनी हुई है जिनको भी फांसी हुई थी। तो यहाँ पर आगे और भी एक स्मृति बनी हुई है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और अवेयरनेस आती है, आप लोगों को थोड़ा बहुत बता सकते हैं। क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किताबें ही पढ़ते हैं। अगर आप उन जगहों पे जाते हैं तो आपको वहाँ की नॉलेज मिलती है, जब आप उसको आँखों से देखते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहती। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी जो हैं उनकी स्मृति है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं और आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन जगहों पे जाने से आपको बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है।
आप सभी को लग रहा होगा कि चैनल पे क्या ये फूड चैनल है, ट्रैवल चैनल है कि कौन से चैनल है। तो अभी मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता, नहीं निकल सकता हूँ, आप सभी को पता है कि सिचुएशन क्या है। तो अभी मैं जो पास की चीज़ है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ सिर्फ, और अभी कुछ टाइम के बाद हम जब घूमने जाएंगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैनल पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, फूड, ट्रैवल, फैशन, जो भी है, जो भी चीज़ मुझे अच्छी दिखेगी और लगेगा कि मुझे आप तक पहुँचाना चाहिए, मैं उस चीज़ को आपको दिखाऊँगा। तुमने तो यार गिरा दिया था यार मुझे तो इसका। हाँ पकड़ के, चैलेंज है नहीं, पकड़ के गुरु पक, हाँ थोड़ा और तेज, और तेज तो बे नहीं। ये देखो क्या हालत हो रही है। तीन लोग करते हैं ठीक है। Tornado.